हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टूडेंट डॉट कॉम। आज हम टाइम एंड वर्क चैप्टर करेंगे, वो भी हिंदी में। सो फॉर माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स, आई विल प्रोवाइड अ लिंक फॉर दैट वीडियो इन इंग्लिश एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो टाइम एंड वर्क चैप्टर का हिस्ट्री पहले हम देख लेते हैं। सो बेसिकली टाइम एंड वर्क, ये कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में यूज़ होता है, जिससे हम निकालते हैं कि कम से कम वेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे की जा सकती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक बंदा ए है, वो 10 दिन लेता है एक काम करने के लिए, एंड एक बंदा बी है, वो 5 दिन लेता है सेम काम करने के लिए। अब दोनों मिलके कितनी देर में काम करेंगे? इस बेसिक क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड्स हैं। पहला तो है हमारा सिंपल ट्रेडिशनल एलसीएम मेथड। अगर ए 10 दिन में काम करता है तो 1/10 जो काम है वो एक दिन में कर लेगा, 1/10 ऑफ द जॉब पर डे, या इसको आप परसेंटेज में भी ले सकते हो, या 10% काम है जो वो एक दिन में कर लेता है। सेम हियर, बी है जो वो 1/5 है ऑफ द जॉब वो एक दिन में कर लेता है। अगर इसको परसेंटेज में लेने जाओगे तो ये 20% काम है एक दिन में कर लेता है। तो दोनों मिलके कितनी देर में काम करेंगे? पहले हम एलसीएम मेथड से करते हैं। ए जो है 1/10 काम करता है पर डे, बी जो है 1/5 काम करता है पर डे, इसको आप सिंपली प्लस करके निकाल सकते हो। 5 और 10 का एलसीएम 10 या 1, यहाँ पे आ गया 2 एंड इट्स कम 3/10। ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 3/10 ऑफ द जॉब कर लेते हैं। तो दोनों मिलके कितनी देर में काम करेंगे? 10/3 days। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3/1/3 days, ये आंसर है। सेकंड मेथड है एफिशिएंसी मेथड। अभी भाई ए जो है 10% काम एक दिन में कर रहा है, बी 20% कर रहा है, दोनों मिलके ए प्लस बी एक दिन में 30% काम कर लेते हैं पर डे। 2 दिन में 60% कर लेंगे, दूसरे दिन फिर अगले दिन 30% और कर लेंगे, हो गया 90%। बाकी बचा 10% काम है वो 1/3 day में कर लेंगे। ओके, सो टोटल मिला के 1, 2, 3, ये एक बहुत अच्छा मेथड है। आप मतलब इसको करने के लिए आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी, मगर अगर आप ये एफिशिएंसी मेथड यूज़ करोगे तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली देख के सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस में एफिशिएंसी मेथड यूज़ होता है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एलसीएम मेथड ही यूज़ करना पड़ता है, जिसमें एफिशिएंसी मेथड अप्लाई नहीं होता, लेकिन एलसीएम मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। बट कई बार शॉर्टकट के लिए या टाइम बचाने के लिए हम एफिशिएंसी मेथड यूज़ करते हैं कि ताकि देख के ही पता चल जाए कि इसका आंसर क्या है। जैसे एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी ए है, ए 10 दिन लेता है काम करने के लिए, बी 5 दिन लेता है। अभी एक क्वेश्चन है, ए और बी दोनों ने मिलके काम स्टार्ट किया, इन्होंने 2 दिन काम किया, 2 दिन तक साथ मिलके काम किया, 2 दिन बाद बी चला जाता है। अभी अब अकेला ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा? अभी अगर इसको हम एलसीएम वाले मेथड से करना है करने बैठे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन सिंप्लीफाई अगर हम इसको एफिशिएंसी मेथड से करें, सिंपली
ए है जो 10% काम करता है पर डे, बी है जो 20% काम कर लेता है पर डे। ए और बी ने 2 दिन में मिलके, ये 30% था पर डे इनकम टोटल, दोनों ने मिलके 60% काम कंप्लीट करके बैठे हैं जी। ये 40% अभी और करना है इन्हें। ए एक दिन में 10% कर लेता है और 40% 4 दिन में करेगा। 4 डेज इज द आंसर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन एफिशिएंसी से करने से ये बहुत इजीली हमने कर लिया। ऐसे कुछ और क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तीन पर्सन्स हैं, राम, श्याम एंड रवि। राम है 3 12 दिन में काम करता है, 12 दिन लेता है काम करने के लिए। सेम काम श्याम 15 दिन में करता है और सेम काम रवि 20 दिन में करता है। तीनों मिलके ये काम कितनी देर में करेंगे? सिंपली हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 12, 15 और 20 का। इन तीनों का एलसीएम बनता है 12, 15 और 20 का, तकरीबन 60 बन गया। तीनों का एलसीएम बन गया 60। ओके, तीनों ये मिलके एक दिन में 1/5 ऑफ द जॉब कर लेते हैं, 1/5 ऑफ द जॉब पर डे। एक दिन में 1/5 जॉब कर लेते हैं, मतलब 5 दिन में ये लोग काम को कंप्लीट कर देंगे। 5 दिन आंसर है। ओके, अभी तीसरी एग्जाम्पल करते हैं। चलो तीसरी एग्जाम्पल करते हैं। ए एक काम 12 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलके सेम काम को 4 दिन में कर देते हैं। अब बी सेम काम कितनी दिन में करेगा, कितनी देर में करेगा? अगर हम एलसीएम मेथड यूज करते हैं तो सिंपली 1/a + 1/b शुड बी इज इक्वल टू 1/a + b। 1/a तो हो गया 12, बी हमें पता नहीं, ए प्लस बी हो गया 4। 1/b इज इक्वल टू 1/4 - 1/12, दोनों का एलसीएम 12। 3 - 1 इज इक्वल टू 2/12, ये काट के हो गया 1/6। बी 1/6 काम है एक दिन में करता है, मतलब पूरा काम बी 6 डेज में, 6 दिन में कर लेगा। अगर हम इसको एफिशिएंसी मेथड से देखें, ए 12 दिन में काम करता है तो कितने परसेंट काम वो एक दिन में कर लेगा? 1/12 पर डे, 1/12 हो जॉब पर डे, तो कितने परसेंट काम वो एक दिन में कर लेगा? 8.33% काम वो एक दिन में करता है। दोनों मिलके 25% काम एक दिन में करते हैं। तो अकेला बी है जो, वो 25% - 8.33% इज इक्वल टू 16.66% काम एक दिन में करता है बी। अगर 16.66% काम एक दिन में करता है तो 100% काम वो 6 दिन में कर लेगा। सो अगर हम एफिशिएंसी मेथड यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमें कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा ही हम कर देते हैं। मतलब विदाउट यूजिंग द पेन और पेंसिल
हम सीधा ही इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन एलसीएम मेथड में हमें इतना इतना टाइम लगाना पड़ा। और क्वेश्चंस करते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, बी जो है 12 दिन में काम करता है, ए प्लस बी दोनों कितने दिन में काम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। कई बार एफिशिएंट की जगह यहाँ पे और वर्ड्स यूज कर लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, या ए इज डबल, एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल देन ऑफ बी, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो यूज कर लेते हैं एग्जामिनर सेटर्स, एग्जाम सेटर्स। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए है जो उसकी एफिशिएंसी बी से डबल है, अगर बी है वो 12 दिन लेता है काम करने के लिए, अगर वो उस डबल डबल एफिशिएंसी है ए की, तो ऑब्वियसली वो 6 दिन में कर लेगा ये काम। अगर बी 12 दिन लेता है और ए की एफिशिएंसी एग्जैक्टली डबल है, तो वो 6 दिन में करेगा। अगर बी 24 दिन में करता तो ए 12 दिन में करता। और कई बार एग्जाम्स में ऐसे भी आ जाता है, ए की एफिशिएंसी बी से 75% है, या 1.5 गुना है, या 3 गुना है, थ्राइस है। अगर थ्राइस होता तो यहाँ पे अगर बी 12 दिन में करता है तो ए 4 दिन में करता। तो ऐसे कुछ तोड़ मरोड़ के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बाद तो क्वेश्चन ये बिल्कुल सिंपल बन गया, बी 12 दिन में करता है, ए 6 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे। 1/12, 1/6, दोनों का एलसीएम ले लिया, बस 3/12 इसको काट दीजिए, 1/4। तो दोनों मिलके 1/4 ऑफ द जॉब पर डे कर लेते हैं, और 4 दिन में ये दोनों काम को कंप्लीट कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट कई लोगों को समझ में नहीं आता, 1/4 को आपने सर 4 में कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए, डे 1 बंदे ने 1/4 ऑफ जॉब किया, डे 2 फिर से 1/4 किया, डे 3 फिर से 1/4 किया, डे 4 फिर से 1/4 किया। अगर इनका आप टोटल लगाएंगे, 1/4 देन ये हो गया 2/4, 50% हो गया, देन 3/4, देन 4/4 हो गया। फोर्थ डे में 4/4 का मतलब 100%, 1 का मतलब होता है 100%, 100% उसने काम कंप्लीट कर लिया। ये इसलिए हम इसको उल्टा कर देते हैं, 1/4 का हमने 4 डेज में कंप्लीट हो गया, 1/4 पर डे में है, 4 डे में ये अपना काम कंप्लीट कर देता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज, 12 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं, आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 डेज, 6 दिन बाद 6 और आदमी जुड़ गए, 6 और वर्कर्स जुड़ गए, इन हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ओके, सबसे पहली बात, 12 आदमी, 12 मैन आर डूइंग अ जॉब इन 9 डेज, और यू कैन से दैट 1/9 ऑफ द जॉब पर डे। ये फंड आप उठा लीजिए, पहले जब भी आप क्वेश्चन करते हैं ऐसे डायरेक्ट डेज में मत लिखिए, उसको पर डे में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। 12 आदमी, 12 लेबरर्स, वो 1/9 ऑफ द जॉब पर डे कर रहे हैं। एक मैन, एक आदमी, 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1/108 ऑफ द जॉब पर डे में करता है। मतलब अगर एक आदमी काम कर रहा है तो वो 108 ऑफ द जॉब पर डे कर सकता है। ये हमारे इस क्वेश्चन का मूल मंत्र है, मतलब यहाँ से आप बड़े इजीली निकाल सकते हो। अगर आपने ये चीज़ को समझ लिया तो ये पूरे का पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आगे करते हैं। चलिए, पहले 6 दिन तक 12 आदमियों ने काम किया, मतलब 12 आदमी, 12 मैन, 12 आदमियों ने, और हर बंदा 1/108 जॉब करता है पर डे पे, और उन्होंने 6 दिन तक काम किया। उनको सिंपली काट देंगे,
आ जाएगा 6/9, और इन्होंने 2/3 ऑफ द जॉब कर लिया। इतना जॉब जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना 1/3, 1/3 ऑफ द जॉब पड़ा है। 33% जॉब जो है अभी कंप्लीट करनी बाकी है। अभी क्या होगा, पहले 12 लेबरर्स थे और यहाँ पे 6 लोग और जुड़ गए, सो 18 लोग हैं अभी टोटल। 12 पहले थे, 6 और जुड़ गए, दोनों मिला के हो गया 18। और दोनों 18 बंदे जो हैं वो 18 × 1/108 इतना काम कर लेते हैं एक दिन में। तो हमने निकालना है ये बाकी का काम कितनी देर में करेंगे, तो इसको हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स। बाकी कितना टाइम में अब काम कंप्लीट करेंगे इसको हम एक्स मान लेंगे। और इन्होंने 1/3 ऑफ द जॉब करना है, 2/3 ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पे हमने देखा है, बाकी बचा था हमारे पास 1/3, ये 1/3 करने वाले हैं। अगेन हम इसको काटेंगे, ये आएगा 6, तो x इज इक्वल टू 6/3, यहाँ पे काट दीजिए 2, 2 डेज जो है हमारा आंसर आ जाता है, 2 डेज इज द आंसर। क्वेश्चन करते हैं, 20 वुमेन्स कैन डू अ वर्क इन 16 डेज, 16 मेन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 15 डेज, वॉट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक मैन और एक वुमेन की एफिशिएंसी को कंपेयर करना पड़ेगा। एक मैन और एक वुमेन की, एक मैन एक दिन में कितना काम करता है और एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है। आप जब ये निकालेंगे तभी आप इसकी रेशियोज़ को, एफिशिएंसी की रेशियो को कंपेयर कर पाएंगे। नहीं तो 20 वुमेन कितना काम करती हैं और 16 मेन कितना काम करते हैं, ये दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। 20 वुमेन कैन डू 1/16 ऑफ द जॉब पर डे। सेम बात है, 16 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर लेती हैं या एक दिन में 1/16 ऑफ द जॉब कर पाती हैं, सेम बात है। 16 मेन कैन डू 1/15 ऑफ द जॉब पर डे। अभी थोड़ा इसको एक्सपैंड करते हैं। W इज इक्वल टू 1/16 × 20। 20 को हम इधर ले गए इसके नीचे, तो एक वुमेन जो है वो एक दिन में 1/320 ऑफ द जॉब इतना काम कर पाती है। एक वुमेन एक दिन में इतना काम कर पाती है, और एक मैन है जो वो एक दिन में 1/15 × 16, 1/240 ऑफ द जॉब एक दिन में एक आदमी इतना काम कर पाता है। अब अभी इनका रेशियो निकालना है। रेशियो निकालते हुए हमें ऐसे उल्टा करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी, तो 80 से डिवाइड हो रहे हैं तीन दोनों, तो इनका रेशियो जो है 3:4 आ जाएगा वुमेन और मेन का। ये अपना आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हिंदी में ये पहली वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज़ bankexamstoday.com के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। अगर आप ये सारी वीडियोस DVD में लेना चाहते हैं और अपने घर पे DVD प्लेयर या लैपटॉप पे चलाना चाहते हैं, तो आप DVD भी मंगवा सकते हैं। वो बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिलेगी bankexamstoday.com पे। लिंक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। थैंक यू, सी यू लेटर।